याद है, कैसा लग रहा है? बहुत कमाल का लग रहा है, बिकॉज बहुत कमाल का खाना खाया है मैंने। और होली का मतलब ये होता है कि आप बहुत रंग से खेलें और म्यूज़िक इन्जॉय करें, और खाना जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और मैं एक पंजाबी हूँ तो मेरे लिए तो खाना बहुत मैटर करता है। अभी आपने जो चीज़ खाई उसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद है? इनफैक्ट मैंने उनकी वो महाथाली खाई है, मुझे तो सभी कुछ उसमें अच्छा लगा। और वैसे इतना ज़्यादा मैं खाता नहीं, हमें हमारे प्रोफेशन में हमें थोड़ा परहेज रखना पड़ता है, लेकिन आज मैंने चीटिंग करी है पूरी, बिकॉज होली है आज। अच्छा, तो रियल लाइफ में आपको वैसे तो ज़्यादा बोल रहे हैं कि खाते नहीं है, हाँ, रखना पड़ता है। क्या खाना आपको ज़्यादा पसंद है, कोई मिठाई या कोई खाना ऐसा? मुझे एक्चुअली ना, मैं बहुत ही चटोरा हूँ, मुझे ये चाट जैसी चीज़ें, गोलगप्पे जैसी चीज़ें बहुत पसंद हैं। जो बोलते हैं इंडिया का स्ट्रीट फूड है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। तो लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमें परहेज रखना पड़ता है, तो ऐसे बहुत ही ऐसे कमाल के मौके आते हैं, जैसे होली, दिवाली और ऐसे कोई फंक्शन आते हैं तो मौका मिलता है ऐसी चीज़ें खाने का। बात चल रही है होली सेलिब्रेशन की, तो होली इस बार आप किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले? हर बार जैसे करता हूँ, बहुत सारे दोस्तों यारों के साथ बहुत धमाल करेंगे। मतलब एक कुछ लोग इकट्ठा होंगे, एक गाड़ियों में बैठ के लोगों के घरों में जाएंगे और रंग होगा, और जैसे त्यौहार मनाया जाता है। होली खेलना आपको कितना पसंद है? सबसे ज़्यादा फेवरेट फेस्टिवल है मेरा ये। तो उससे जुड़ी कोई यादें होंगी आपके बचपन की? तो बचपन के तो कमाल के दिन होते हैं, बिकॉज उस टाइम आपको ना फेस्टिवल होली का जो है वो उस दिन इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो पूरा हफ्ता इंपॉर्टेंट होता है। तो अब वो बलून में पानी फेंक के, मतलब यू नो, एक दूसरे को मारना, और उस टाइम तो बड़ी गंदी होली खेली करते थे हम, कीचड़ में फेंक दिया ये सब, और बहुत ही केयर फ्री एग्जिस्टेंस थी हमारे लिए। तो उस लिहाज से ये एक मतलब होली वॉज अ वेरी स्पेशल लोकेशन फॉर अस। तो उससे जुड़ी कोई यादें जो किसी को आपने फुग्गे मारे हैं, आपको किसी ने अंडे? अरे हमने बहुत फुग्गे खाए हैं, मतलब खा के लाल हो जाते थे हम। लेकिन हम क्या करते थे, एक चीज़ हम जो रखते थे वो सिर्फ अपने जानकार को मारते थे, ऐसे स्ट्रेंजर्स को नहीं मारते थे, बिकॉज हो सकता है उसका होली खेलने का मन ना हो। तो बच्चों में आपस में हम काफ़ी फुग्गे मारते थे एक दूसरे को। चलिए, होली तो आपने बहुत खेली है, लेकिन कभी आपने भांग या ठंडाई का कभी मज़ा लिया? नहीं, भांग और ठंडाई का मज़ा नहीं लिया। अच्छा सर, होली से कोई जुड़ा कोई गाना आपको याद आता हो? या मुझे एक ही गाना आता है जो वो रंग बरसे, वो तो आई थिंक लगता है उस गाने के बाद ऐसा पावरफुल गाना आया ही नहीं कोई। तो सर जाते जाते वो गाना, ओ रंग भर से भीगे चुनर वाली, रंग भर से, ओ रंग भर से भीगे चुनर वाली, रंग भर से, ओ रंग भर से भीगे चुनर वाली, रंग भर से।